ना ये सारे कपड़े यहाँ पर ही लाके रख दिए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो यहाँ पर ही सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो अभी इसे मैं उठा लूँगी और इसके फोल्ड करके रख दूँगी। गाइस जस्ट नहा के आई हूँ और मैं ले रही हूँ ये अपना न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर ही बोल सकते हैं आप इसे, तो ये मैं आजकल ले रही हूँ। क्योंकि अभी की सिचुएशन में हमें हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है और उसके ऊपर आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जैसे कि मैं अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने अभी करना, तो जैसे कि मैं आपके साथ डेली शेयर कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह उठते ही नींबू पानी पीती हूँ, खाली पेट नींबू एंड हनी डाल के वो जो पानी होता है वो पीती हूँ, गुनगुना पानी। और उसके बाद मैं अभी ले रही हूँ ये मेरा, मतलब ये मैं ब्रेकफास्ट की जगह पे ले रही हूँ आजकल, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर कोई हेवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, मतलब कुछ आप लोग ऑयली खा लेते हो या कुछ ये खा लेते हो, और डेली हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना भी जान पे आता है हम लोग हाउसवाइफ को, बहुत सारे काम होते हैं उसमें हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम बच्चों के लिए बना के दे सकते हैं, हम हस्बैंड के लिए बना के दे सकते हैं, बट खुद के लिए बनाना हो तो बहुत जान पे आता है। इसी वजह से मैंने अभी फूड रिप्लेसमेंट के लिए ये लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है न्यूट्रिएंट्स, तो ये शुगर फ्री है, मतलब आपको शुगर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्रोटीन आप ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक हो रहा है, हाई प्रोटीन है इसमें, लो आईजी है, हाई फाइबर है, मतलब आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी आप इसे लोगे तो। इसको बनाना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना 180 ml तक आपको पानी ले लेना है और उसमें 3 स्कूप आपको इसके ऐड कर देने हैं। तो मैं ऐड कर रही हूँ 3 स्कूप इसके, अभी देखो, बस 1 स्कूप, उसके बाद 2 स्कूप, उसके बाद 3 स्कूप, 3 स्कूप आपको इसके ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से घोल लेना है, मतलब पानी में अच्छे से ये घुल जाए, आपको ये घोल लेना है अच्छे से। आप इसको शेकर में भी बना सकते हो, मैं बहुत बार शेकर में बनाती हूँ, और उसके बाद आप इसे इस तरह से भी ग्लास में घोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, ब्रेकफास्ट स्किप करके आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो इसे, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, आप डिनर में ले सकते हो अगर आपको डिनर नहीं करना है। कुछ कुछ दिन ऐसा लगता है कि नहीं यार डिनर नहीं करते, बट आपको भूखे पेट नहीं सोना है, आप इसे ले सकते हो, इसे लेके आप सो सकते हो, मतलब जैसे कि आप दूध वगैरह लेते हो तो उसकी जगह पे आप इसे ले सकते हो, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें हाई फाइबर है। फाइबर क्या करता है, आपको बहुत देर तक फिल करके रखता है, मतलब आपको भूख नहीं लगती इसकी वजह से। तो आप देखो ये मेरा ड्रिंक रेडी है, आप इसे अच्छे से घुल लो, जल्दी से घुल जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है इसे, और फिर आप पी सकते हो इसे। इससे कोई भी पी सकता है, मतलब अगर आपको डायबिटीज है फिर भी आप डायबिटिक पेशेंट भी इसे पी सकते हैं, कोई भी पी सकता है इसे। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एनर्जी लेवल बनी रहती है, उसके बाद वेट मैनेजमेंट का ये काम करता है, वेट मेंटेन रखता है आपका। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट एक मील अगर आप स्किप कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपका वेट मेंटेन रहेगा, और उसके ऊपर आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मिल रहा है इसमें। आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा सही है, मतलब आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रखता है। मैंने तो इसको इम्यूनिटी के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए लिया है। मतलब अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरा, तो इसी वजह से मैंने वेट मैनेजमेंट के लिए लिया है ये। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रखता है, एनर्जी मुझे, मैं देख पा रही हूँ, आपको दिख ही रहा है कि मैं कितने ज़्यादा काम कर रही हूँ घर पे, और इतने ज़्यादा काम करने के बाद भी थोड़ा सा तो थकता ही है इंसान, बट इतने ज़्यादा काम हो रहा है, पहले तो मैं बिल्कुल काम ज़्यादा नहीं कर पाती थी, मतलब थोड़ा सा काम करने से ही मुझे मेरी सांस फूल जाती थी। आपने देखा भी है पहले व्लॉग में, मतलब जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम के बाद, जो ब्लॉग आया है उसके बाद मेरी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा लो हो गई थी और मेरी सांस जल्दी जल्दी फूलने लग जाती थी। अभी मैं इसे ले रही हूँ ना, मेरी एनर्जी भी बनी रह रही है, मैं इतने सारे काम कर पा रही हूँ,
उसमें मेरी सांस भी नहीं फूल रही है, और ये ना आपको वेनिला फ्लेवर में मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत टेस्टी लगता है सच में, आप एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये। और मील रिप्लेस हो रही है ना, मतलब जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट रिप्लेस हो रहा है तो और भी अच्छी बात है यार, एक मील रिप्लेस हो रहा है आपको सुबह सुबह के कामों में, अपने खुद के लिए जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से अपना एक ग्लास पानी ले लो, उसमें 3 स्कूप डाल दो, अच्छे से घोल लो, और आपका पेट काफी देर तक फुल रहेगा और आपको एनर्जी भी फील होगी, आप दिन भर के कामों के लिए एनर्जेटिक रहोगे। और हाँ, आपको अगर ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो आप इसे पक्का ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए ये फिर। और हाँ, इसमें 200 कैलोरीज एनर्जी आपको मिल जाती है, 200 कैलोरीज आपको इसमें से मिल जाती है, और इसमें आपको 27% प्रोटीन भी मिल जाता है, तो प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इससे पहले भी मैंने बात की है, जितना आप प्रोटीन लोगे उतना ही आपका वेट जल्दी लॉस होगा, मतलब जल्दी कम होगा वेट, तो जितना आप प्रोटीन इंटेक करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, फाइबर जितना इंटेक करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, जितना आप कार्ब्स कम कर दोगे उतना अच्छा है आपके लिए। वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, हाई प्रोटीन लेना है, हाई फाइबर फूड लेने हैं, और आपको कार्ब्स कम कर देना है, तो कार्ब्स अगर आप कम करोगे और हाई फाइबर हाई प्रोटीन फूड लेना स्टार्ट करोगे, अपने आप आपका वेट कम हो जाएगा। अभी मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया है, एनर्जेटिक फील हो रहा है और मुझे काफी देर तक भूख भी नहीं लग रही है, तो बस इसे ब्रेकफास्ट स्किप करके ले लेती हूँ एक बार, और अपने एनर्जी से काम करने लग जाती हूँ, पूरे दिन के काम कर लेती हूँ आराम से, बहुत टेंशन फ्री होके। और आप इसमें देख लो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पर देखो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसकी प्राइस जो है वो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, 340 रुपीज का ये आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता इतनी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप लिंक को क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हो, तो लिंक जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं ले लेती हूँ अपना, बाद में मिलती हूँ आपसे। और हाँ, मुझे लाइव भी जाना है आज, तो उसके लिए भी तैयारियां करनी है, जल्दी जल्दी से खाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद रेडी भी होना है, आपके साथ मिलना भी है, और जो भी होगा वो आपने देखा ही होगा, ये व्लॉग आने से पहले आपने देखा ही होगा लाइव सेशन, तो कैसा लगा मुझे जरूर बताना लाइव सेशन, और आपको बाकी की चीजें कैसी लगी वो भी जरूर बताना। तो चलिए, ये तो फिनिश कर लिया है मैंने, अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टेंशन खत्म हो गया है, अपने काम मैं आराम से कर सकती हूँ। अभी बज रहा है 2:30 और मैं जाने वाली हूँ लाइव, अभी आपके साथ बात करने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, अभी मैंने आपके साथ कम्युनिटी पे शेयर किया था कि मैं लाइव आने वाली हूँ, तो उसी के लिए लाइव जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, इस तरह से रेडी हुई हूँ, तो चलिए जल्दी से लाइव जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, मतलब अभी बहुत लेट हो चुका है एक्चुअली, तो खाना बन गया है, सुबह ही बना लिया है सिंपल सा, एक मिनट, भरता बनाया था, यहाँ पर भरता है, बच्चों ने खा भी लिया है, और हाँ हाँ बोलो, आपको जल्दी डायमंड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन चाहिए ना? हाँ हाँ, तो उसके लिए सबको बोलो सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो, माँ के व्यूज बढ़ा दो और घंटी को भी दबा लो। हाँ, देखो देखो अभी रेंट लिया है इसने, तो चलिए अभी जल्दी से लाइव जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाहर आके देखा मैंने तो इतना ज्यादा अच्छा मौसम हो गया है, और 7 बज रहे हैं पता है, 7 बजने के बाद भी इतना मौसम अच्छा है, मुझे लगा कि अभी दिए लगाने का टाइम हो गया है, और यहाँ पर आके देखा तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, और मौसम इतना ज्यादा, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, इतना ज्यादा येल्लो येल्लो लग रहा है पूरा, कैमरा में तो दिख नहीं जाऊंगा, कैमरा में नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे येल्लो येल्लो पूरा, अरे एकदम उजाला येल्लो, जैसे एकदम वार्म लाइट जैसे लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, और अभी 7 बजे वो भी 7 बजे देखो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से, यार ये कैमरा में नहीं कैप्चर कर रहा है, बट इतना ज्यादा अच्छा मौसम हो गया है ना, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, एकदम हल्की सी, अभी निकल गई है बारिश वैसे, बट बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो गया है, और चलो अच्छा लग रहा है यार मुझे आज तो। हमने खिड़की से झांका तब देखा कि अरे यार इतना ज्यादा अच्छा मौसम हो गया, तो इस वजह से बाहर आए, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है अब तो, सभी लोग अपने अपने घर के बाहर निकले हैं, अब टेरेस पर घूम रहे हैं, हाँ सब लोग अपने अपने टेरेस पर घूम रहे हैं, भी ठीक ठाक नहीं है, हाँ हमारे टेरेस थोड़ी सी वो सामान है ना हमारे टेरेस पे, दूसरी वजह से नहीं बोला था कि टेरेस दिखाओ करके, तो टेरेस नहीं दिखा सकती हूँ डियर, अभी सामान बहुत सारा पड़ा है वहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा का सामान है वो पड़ा है, जो उसमें से छांटना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, और फिर आपको टेरेस दिखाऊंगी अच्छा सा, जो हम लोग टेरेस गार्डन भी बनाने वाले हैं वैसे, हम लोग मतलब थोड़ा सा सजाने वाले हैं उससे,
तो वो दिखाऊंगी आपको बाद में, जल्दी से हो जाएगा। अभी यही काम खत्म नहीं हो रहा है यार, ये काम खत्म हो जाए उसके बाद वो काम होगा। तो मौसम का मजा ले लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज डिनर में क्या बन रहा है वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर एक करी बन गई है, मतलब करी बना दी है। एग्स ये लाने वाले थे, एग्स नहीं थे घर पे, तो इसी वजह से अभी एग्स लाए इन्होंने। तो एक बॉयलर में एग भी डाल दिया है। और हाँ, किसी ने एक बॉयलर के बारे में पूछा था मुझे, तो एक बॉयलर मतलब बहुत अच्छा होता है, जैसे कि अभी दिखाती हूँ मैं पीछे के कैमरा से आपको। ये है एक बॉयलर, यहाँ पर आपको 7 eggs यहाँ पर बॉयल हो जाएंगे एक साथ। और इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, बस नीचे थोड़ा सा पानी डाल देना पड़ता है, उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का ट्रे दिख रहा है ये ट्रे रख देना पड़ता है। और उसके बाद आपको स्विच लगा देना है। स्विच लगाने के बाद अभी ये एक बॉयल हो गया है, बॉयल नहीं हुए होते हैं ना तो रेड लाइट जलता है यहाँ पे, और अपने आप बॉयल हो जाने के बाद ये बंद हो जाता है रेड लाइट। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है एक बॉयल करने के लिए। नहीं तो पतीले में डालो, उसमें नमक डालो, उसमें पानी डालो, ये करो, उसके बाद फिर बॉयल हो जाता है। कुछ कुछ एक तो उसमें से टूट भी जाते हैं, बट ये एक बॉयलर होने की वजह से मुझे वो टेंशन नहीं है। चॉपर के बारे में भी पूछा था किसी ने, तो ये चॉपर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत काम में आने वाली चीज है। एक बॉयलर हो गया, ये चॉपर हो गया। इसमें ना एक बॉयलर 2 मंजिला वाला भी आता है, मतलब दो उसमें आप जैसे 7 इसमें और ऊपर 7 रख सकते हो, एक साथ आपके 14 बॉयल हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आता है, मतलब बहुत सारी वेरायटी आती है इसमें। तो मैंने ये 7 वाला ले लिया है, तो 7 एक टाइम में 7 हम लोग फैमिली खा सकती है। तो यहाँ पर ये है चॉपर, चॉपर भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। चीज़ें कैसे घर में रहती है ना तो इजी कर देती है अपना काम, जो किचन का काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इससे, मतलब तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। और ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसे कि ये भी 250-300 रुपये तक होगा, ये भी 300 रुपये से अंदर ही है ये सारी चीज़ें। तो ये भी 300 रुपये के अंदर ही है, ये भी 300 रुपये के अंदर ही है। उसके बाद ये वाला ट्रे पूछा था किसी ने, तो ये वाला ट्रे मैंने डीमार्ट से लिया है। डियर ग्रीन चाहिए था मुझे, ये भी मैंने डीमार्ट से ही लिया है। ये फोम वगैरह रखने के लिए वो होता नहीं है, वो है ये, बट मैंने इसमें स्पून्स रख दिए। ये मैंने सारी चीज़ें डीमार्ट से ली है। और बस चलिए अभी एक करी में एग्स डाल देती हूँ, उसका छिलका निकाल लेती हूँ और जल्दी से डाल देती हूँ। अभी ये कैसे टाइम पर भी बॉयल हो सकता है, 10 मिनट के अंदर ही बॉयल हो जाता है इसमें। नहीं तो वो पानी वानी रखते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है और टाइम भी ज़्यादा लेता है, तो इससे अच्छा है ये ले लो। तो चलिए जल्दी से अपने काम करती हूँ कि डिनर करना है। ये आ गया है ड्यूटी से, डिनर करना है जल्दी से, और उसके बाद मिलती हूँ डिनर करने के बाद आपसे। देखो यार, हर दिन हर रात को बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और मौसम का मज़ा ही आ जाता है इस टाइप के। देखो बारिश हो रही है अभी भी। यहाँ पर माही कर रही है पढ़ाई, उसके बाद अद्विक यहाँ पर खा रहा है बादाम जिससे इसका दिमाग शार्प हो, और टीवी भी देख रहा है। और उसके बाद ये कर रहे हैं बिल चेक, क्योंकि आज भी सामान आया है कुछ प्लाई वगैरह का, तो इसी वजह से ये बिल चेक कर रहे हैं। तो देखो आज का जो सामान है वो कितने का हुआ? आज का सामान हुआ 14,000। आज का भी सामान मतलब ये सारे बिल। अच्छा, अरे यार कितना? 14,478। पता है क्या, ये बिल्स इसलिए जमा करके रखने पड़ते हैं, वैसे फाइनल वो बिल देंगे, बट ये बिल इस बिल से ना वो निकलेगा, उनका परसेंटेज निकलेगा कारपेंटर का, और कितना खर्चा है, कितना है अपना। हाँ हाँ हाँ, वो भी बराबर है, बराबर है, वो भी है, मतलब लगा के रखना पड़ता है यार पैसा, मतलब अभी इसके बाद कितना खर्चा होने वाला है। पेड वाले ये ना, हाँ अच्छा, ये 30,000 पे की आज, बराबर है। तो ये वाले जैसे कि अपने पास पैसे कितने हैं, कितना उनको देना है, अभी जैसे कि वो शॉप रहते हैं ना तो शॉप में वो रखते भी है, जैसे कि आप लेके जाओ कुछ दिनों के बाद देना करके, जैसे पेमेंट आने के बाद आप दे सकते हो उनको पैसे, तो वो भी रखते हैं। फर्नीचर एकदम से कोई नहीं इतना बना सकता, जब तक बैलेंस नहीं रखेगा। हाँ, तो वो बैलेंस जब तक नहीं रखेंगे ना जैसे शॉप वाले, तब तक तो कोई बना नहीं सकता है फर्नीचर, तो वो बैलेंस रखते हैं। जैसे आपकी पेमेंट आ जाएगी उसके बाद आप पे कर दो उनको और दूसरा सामान ले लो, और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तब उनको दे दो, तो ऐसे करके होता है। तो इन्होंने आज इतना पे किया है, 30,000 पे किए हैं, और आज का बिल जो बना है, आज जो लेके आए हैं वो 14,000 का बना है। आज जो सामान आया है दिखाती हूँ आपको, इतने प्लाई कम पड़ गए थे ना, ये वाले प्लाई आए हैं, मतलब यहाँ पर जो शू रैक वगैरह बनने वाली है तो उसके लिए ये प्लाई कम पड़ गए थे,
तो प्लाई आया है आज, ये जो सामान है उसमें वो आया है, ड्रॉर्स के लिए वो आया है, और उसके बाद माइका भी आया है, तो ये सारी चीज़ें आई है आज। तो गाइज़ यहाँ पर अंडों के छिलके निकाल रही हूँ। और हाँ, कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि आप एक ही पिज़्ज़ा आपने बना के दिखाया और शो ऑफ कर रहे हो, सारे पिज़्ज़ा बना के दिखाओ तो बानो। तो यार आप ही बताओ, सारे पिज़्ज़ा ही बना के दिखाऊंगी मैं, एक बार आपको रेसिपी शेयर कर दी एक बार आपके साथ, तो सारे पिज़्ज़ा ही आपको बना के दिखाऊंगी, तो कितना ज़्यादा बोर होगा आपको, आप भी बोलोगे कि वही वही दिखा रही हो। इसी वजह से एक पिज़्ज़ा बना के दिखाया, और आपको पता है कि पिज़्ज़ा गर्म ही खाया जाता है ताकि उसका जो चीज़ है वो मेल्ट हुआ होता है, इसी वजह से गर्म ही खाया जाता है, नहीं तो ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं गर्म गर्म एक एक करके बना के दे रही थी, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा समझ आया करो जो भी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाया करो और थोड़ा सा समझ आया करो कि ये इतना ही क्यों दिखा रही है। अगर झाड़ू मारते दिखाओ तो पूरा घर झाड़ू मारते ही दिखाओ, कितना टाइम लग जाएगा उसमें, और पूरा व्लॉग उसी में हो जाएगा ख़त्म। इसलिए मैं जो भी करती हूँ उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स ले लेती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। खाने में है ये सूखी सब्जी आलू गोभी की, उसके बाद ये है अंडा करी, ये मेरी ज्वारी की रोटी, और पापड़ है, सलाद है, और ये है शेजवान चटनी, मुझे खाने के साथ बहुत पसंद है, इसी वजह से शेजवान चटनी लेते हैं हम खाने के साथ, कभी अचार ले लेते हैं, कभी शेजवान चटनी ले लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। चलिए गाइस, खाना खा लिया है, क्लीनिंग हो गई है, और उसके बाद बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करना, और उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं डेली बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, और जब सब्सक्राइब करोगे ना उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उससे ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक जरूर चेक कर लेना एक बार, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स देखने के लिए मिलेंगे वहां पर, माहिनी और मैंने बनाए हैं, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर देना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।